अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हानिस किचन। आज की हमारी रेसिपी है आलू पालक। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि हमारा मंथली टारगेट अचीव हो जाए। तो चलिए हम लोग अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आलू पालक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए घी। हम लोग घी इस्तेमाल करते हैं, आप जो भी चाहें ऑयल या इसके अलावा भी कुछ यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, देसी घी वगैरह। उसके बाद हमें चाहिए लहसुन अदरक। लहसुन अदरक हमें पालक और आलू फ्राई करने के लिए। उसके बाद ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जिनमें कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक है, ये सब मसाले आप लोग हसब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च हम लोग आखिर में यूज़ करेंगे या आलू पालक फ्राई करने के लिए आप लोग बीच में भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए 2 से 3 टमाटर। मैं 1 किलो पालक बना रही हूँ, उसके लिए आपको 2 से 3 टमाटर काफ़ी हैं। और ये रहे आलू, मैंने 5 आलू इस तरह से काट लिए हैं, आप जिस तरह से मर्जी चाहें काट सकते हैं। और ये है हमारी पालक 1 किलो, जिसे हमने बॉयल करके उसके बाद अच्छी तरह पीस लिया। तो चले हम लोग बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले गरम पैन में ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल आलू पालक में आम सालन से ज़रा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, इस तरह से कटा हुआ चॉप लहसुन, पिसा हुआ डालेंगे, इस तरह से फ्राई चॉप कर रहे हैं। अब लहसुन टूटे हम लोग ब्राउन, पालक एक दफ़ा अच्छी तरह भून चुकी है। अब हम इसमें अपने आलू ऐड करेंगे जो हमने काट के रखे थे, और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। मेरी फैमिली में आलू ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैं पालक में थोड़ा आलू ज़्यादा ही डालती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जितना गर्म हो आप उतना डालें। अब हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आलू को भूनने के बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमने काट के रखे थे, तो अच्छी तरह से हिला लीजिए। आप देख रहे हैं कि पालक का कैसा रंग आ गया है, आलू का भी। अब इसको ढक के हल्की आंच पर इतना पकाएंगे कि टमाटर और आलू बिल्कुल गल जाए और अच्छी तरह भून जाए। हमारे आलू पालक की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, अब हम आपको सर्व करना दिखाते हैं।